तो गाइस ये रहा नाइट्रिक एसिड, आप देख सकते हैं। और जो ये एसिड है गाइस, नाइट्रिक एसिड काफ़ी ख़तरनाक और काफ़ी पावरफुल एसिड होता है। अगर हमारे स्किन के ऊपर एक बूंद भी गिर जाए तो उस जगह को ये पूरा का पूरा जला देगा। तो काफ़ी ख़तरनाक एसिड है गाइस। और गाइस जो नाइट्रिक एसिड है वो कॉपर के साथ काफ़ी अच्छे से और काफ़ी फास्टली रिएक्शन करता है। तो सिंपल से हमारे पास है एक 5 का सिक्का जो कि गाइस कॉपर का है, और गाइस एक 10 का भी सिक्का है जो कि कॉपर का है। तो सिंपल से मैं क्या करूँगा, इस बीकर में नाइट्रिक एसिड को थोड़ा सा गाइस नाइट्रिक एसिड लूँगा और उसके बाद इन दोनों सिक्कों को एक साथ नाइट्रिक एसिड में डाल देंगे और देखते हैं गाइस सिक्का जैसे नाइट्रिक एसिड में जाता है तो किस तरह का रिएक्शन होता है। तो काफ़ी अमेजिंग रिएक्शन होने वाला है, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस इस नाइट्रिक एसिड को डालते हैं इस बीकर में, इसका कैप खोल लेते हैं गाइस, देख सकते हैं काफ़ी सेफ्टी से खोलना पड़ेगा। देख सकते हैं गाइस इसके अंदर से धुआं निकल रहा है। तो चलिए गाइस बस थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा नहीं, इतना लेना है कि हमारा दोनों कॉइन अच्छे से डूब जाए। इतना काफ़ी रहेगा। चलिए इसका कैप लगाते हैं, हो चुका है, और इसे अच्छे से बंद करके साइड करते हैं। एक साथ डालते हैं, चलिए गाइस फाइनली इसका रिएक्शन ख़त्म हो चुका है, बस थोड़ा थोड़ा हो रहा है गाइस, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अपने कॉइन को निकालते हैं, उससे पहले गाइस इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं। और आप देख सकते हैं पूरा ये ब्लू ब्लू पानी हो चुका है। तो चलिए पानी को गाइस इस ग्लास में निकालते हैं। ये रहा गाइस, इसको साइड करते हैं और देखते हैं गाइस अपने कॉइन को। निकल जा भाई, चिपक गया अंदर।
एक कॉइन और निकलते हैं गाइस, ये रहा कॉइन। चलिए इसको साइड करते हैं स्पीकर को। और गाइस आप देख सकते हैं ये हमारा कॉइन का, ओह माय गॉड, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा गाइस। कि ये कॉइन यार बस क्या हाल किया है कॉइन का। तो गाइस मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारा कॉइन था। कि गाइस मैंने इन दोनों कॉइन को डाला था नाइट्रिक एसिड में। अब आप देख सकते हैं ये किस तरह का दिख रहा है। ओह माय गॉड, इसका क्या हाल हुआ है। ये रहा गाइस हमारा 5 का सिक्का, आप इसमें देख सकते हैं 5 अभी भी गाइस दिख रहा होगा आपको। और यार गजब क्या हाल हुआ इस कॉइन का। और ये रहा गाइस हमारा 10 का कॉइन। माय गॉड, 10 का कॉइन तो और उससे भी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है गाइस बिल्कुल दम। इसमें भी गाइस आप देख सकते हैं 10 रुपये लिखा हुआ है गाइस यहाँ पे। बाकी कॉपर जितना था गाइस सारा कॉपर निकल चुका है। और गाइस ये स्टील होने के कारण यानी नहीं मेल्ट हो पाया है, बस थोड़ा बहुत इसका भी रिएक्शन हुआ है। बट जो कॉपर का था गाइस, कॉपर जो है होता है गाइस नाइट्रिक एसिड में काफ़ी स्पीड से रिएक्शन होता है। तो आप देख सकते हैं ये रहा हमारा 5 का सिक्का और ये रहा हमारा 10 का सिक्का। और आप देख सकते हैं, तो गाइस आप सोचिए कि कितना ये ख़तरनाक है नाइट्रिक एसिड। जब कॉपर के सिक्के को भी मेल्ट कर चुका है तो हमारे स्किन का क्या हाल करेगा। काफ़ी डेंजरस चीज़ है गाइस, आप देख सकते हैं सिक्के को। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा ही मज़ा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस घंटी बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ गाइस इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।